नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोने ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज मैं आया हूँ वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और ये है अंदर का पूरा दृश्य वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का। हवा काफ़ी तेज चल रही है, देखिए इधर साइड में भी कार पूरा चल रहा है काफ़ी तेज से, मिट्टी खुदाई का कार हो रहा है। यहाँ पर जेसीबी क्रेन लगी हुई है, इधर साइड में ये है पूरा एरिया और यहाँ पर देखिए भी मिट्टी का पूरा स्टॉक किया गया है, जो मिट्टी स्टॉक किया गया है इधर कॉलम में, यहाँ पर जो गड्ढे खुदाई किया गया है इसमें भरा जा रहा है। और देखिए सभी वर्कर लगे हुए हैं कार में, इसमें कार काफ़ी तेज़ी से चल रहा है इसमें। और जो एरिया है, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि ये प्लेग्राउंड का एरिया है, जो मिट्टी स्टॉक किया गया है पूरे एरिया में, ये पूरा एरिया प्लेग्राउंड का एरिया है, यहीं पर प्लेग्राउंड बनेगा। और ये पूरा एरिया जो है इधर जो देख रहे हैं सरिया, जो कॉलम जो खड़ा है सरिया पूरा खड़ी है इस साइड से इस साइड तक पूरा देख रहे हैं, पूरा इसके चारों तरफ जो है ये पूरा एरिया है आपका पवेलियन का एरिया, जो जिसमें दर्शक बैठ करके जहाँ से प्लेग्राउंड का पे यहाँ पर मैच देखेंगे। तो अभी चलिए, अभी कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, बन रहा है स्टेडियम पूरा, तो चलिए और अंदर से आपको दिखाते हैं चलते। ये इधर का पूरा दृश्य इस साइड में भी देखिए, प्ले बाउंड्री का कार्य हो चुका है इसमें और आगे कार्य चल रहा है। इधर देखिए पूरा सेपरेट हो गया इधर से, ये इधर इधर देखिए मिट्टी बैक फिलिंग का कार्य चल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए और आपको बाहर से दिखाता हूँ उधर साइड का दृश्य जो बाहर का है। ये है आरएफटी प्लांट, पूरा इधर का कार्य हो रहा है। दोस्तों मैं आ गया हूँ इधर साइड में, ये जो रिंग रोड है इस साइड में आ गया हूँ इस समय। और ये देखिए इस साइड में यह बन रहा है, जो स्टेडियम का पूरा पिलर है कॉलम खड़ा कर दिया गया है और इधर अभी इसका आरसीसी का काम चल रहा है कॉलम का। और इस पर देखिए यहाँ पर जो मिट्टी स्टॉक किया गया है, ये यहीं से खुदाई करके यहाँ पर स्टॉक किया गया पूरा मिट्टी और फिर यहीं से यहीं पर इसको भरने, जो कॉलम है उसको पूरा उसकी आरसीसी करने के बाद इसी में वो बैक फिलिंग कर दिया जाएगा। और इस साइड में देखिए इधर अभी ये साइकिल लगा हुआ है, जो गाड़ी लगी है बूम प्रेशर से कॉलम की भराई चल रही है, अभी जो आरसीसी है कॉलम का किया जा रहा है। पूरा दृश्य इस साइड का है, यह देखिए सभी कॉलम खड़े हो गए हैं और उधर साइड में अभी बैक फिलिंग का भी कार्य चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। तो ये है पूरा मौजूदा इधर का दृश्य, जो अभी वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का कार्य अभी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है इस समय। और वहीं आगे इधर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे इधर, ये देखिए जो है आरएमसी प्लांट, यहीं से पूरा रेडीमिक्स कंक्रीट जो है तैयार होकर के इधर पीसीसी आरसीसी के लिए आ रहा है। और देखिए ये है पोकलैंड मशीन जो यहाँ पर लगी हुई है, मिट्टी बैग फिलिंग का भी कार्य यहीं से कर रही है। देखिए इधर जो पूरा कॉलम खड़ा हो गया है उसका भी आरसीसी का कार्य, अभी बैग फिलिंग का कार्य चल रहा है। और इधर साइड में ये है क्वालिटी लैब एरिया, जहाँ पर पूरा मटेरियल का टेस्टिंग किया जाता है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ये मटेरियल आगे इधर सप्लाई किया जाता है टेस्टिंग के बाद। और वहीं आगे ये है रॉ मटेरियल का एरिया, जहाँ पर ये सब मटेरियल गिट्टी बालू सीमेंट सब रेडी करके रखा जा रहा है। तो ये पूरा मटेरियल है जो अभी यहाँ पर स्टॉक किया गया है, यहीं से रेडीमेड कंक्रीट तैयार किया जाता है। और ये साइड में ये है वेटिंग एरिया, देखिए ये है K2 क्रेन,
जहाँ पर ये नीचे बनाया जाएगा प्री कॉस्ट मटेरियल, जो इधर साइड में ये यूज़ किया जाएगा, जो पवेलियन का एरिया है पूरा यह यहीं पर यूज़ किया जाएगा सीट बनाने के लिए और भी वर्क के लिए, जो भी वर्क होगा इधर किया जाएगा इसी एरिया में। और ये जो मिट्टी स्टॉक किया गया है ये है प्लेग्राउंड का एरिया, जहाँ पर मैच वैच खेले जाएंगे, यही एरिया है जो प्लेग्राउंड का एरिया पूरा, जहाँ पर मिट्टी स्टॉक किया गया है ये पूरा एरिया यहीं पर। उधर साइड में देखिए यहाँ पर एक पुगलन मशीन अपना वर्क कर रही है, जो मिट्टी बैग फिलिंग का पूरा कार्य है। देखिए इधर से मिट्टी यहाँ पर ये बैक फिलिंग मतलब होता है कि इसको भर रही है, जहाँ पर ये पूरा पिलर कंप्लीट हो चुका है ढलाई करके, और वहीं आगे पूरा एरिया इधर का कार्य चल रहा है जो अभी, और यहीं आगे इधर बना हुआ है इलेक्ट्रिकल बूथ एरिया, जहाँ पर बिजली का पूरा सप्लाई यहीं से दिया जाता है। और वहीं आगे जो दो बड़े बड़े देख रहे हैं शेड से लगा हुआ घर घेरा हुआ एरिया है, वो है श्रमिक कॉलोनी, जहाँ पर श्रमिक रह करके ये पूरा स्टेडियम का कार्य कर रहे हैं, वहीं पर श्रमिक रहते हैं, रह करके पूरा ये स्टेडियम का अभी कार्य कर रहे हैं सुचारू रूप से, और कार्य काफ़ी तेज़ी से इस समय चल रहा है वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम का। और देखिए इसका पूरा बाउंड्री वॉल का जो कार्य था स्टेडियम का, चारों तरफ से कम्प्लीट हो चुका है पूरा, देखिए एरिया में बिल्कुल ये पूरा कंप्लीट हो चुका है बाउंड्री वॉल का। और ये है स्टेडियम का गेट, जहाँ पर स्टेडियम से में एंट्री करने के लिए ये गेट बनाया गया है, यही है मेन गेट जहाँ से सभी लोग एंट्री करते हैं, तो मौजूदा यही है पूरा यहाँ का दृश्य जो वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का है, जो अभी कार्य काफ़ी तेज़ी से इसमें चल रहा है। इधर देखिए यहाँ पर जेसीबी लगी हुई है, जो मिट्टी को रीबैक फिलिंग करके उसको फिर लेबलिंग कर रही है, लेबलिंग का कार्य यहीं पर चल रहा है जेसीबी से। और वहीं आगे देखेंगे तो यहाँ पर कंक्रीट की गाड़ी है जो मिलर लगी है, अभी कार्य चल रहा है काफ़ी तेज़ी से यहाँ का। तो यही है मौजूदा इधर का पूरा दृश्य जो वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो अभी कार्य चल रहा है। तो ये है वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का एरिया पूरा, और ये रिंग रोड है जहाँ से पूरा यह स्टेडियम का आप व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद।